इस वीडियो में बात करने जा रहे गुजरात जायंट्स के बारे में। गुजरात जायंट्स की टीम किन प्लेयर्स को सीजन 11 के लिए वापस अपनी टीम में रिटेन कर सकती है और कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो वापस हमें इसी टीम में नज़र आ सकते हैं खेलते हुए, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते, सबसे पहले गुजरात जायंट्स के बारे में बात करें तो लास्ट सीज़न काफ़ी अच्छा गया था, बहुत अच्छा कमबैक किया था। सीज़न 9 अच्छा नहीं था, सीज़न 10 काफ़ी अच्छा हुआ, टॉप 6 में गए, नंबर 4 पे फिनिश किया और अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। और काफ़ी दिनों से मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा हूँ कंसिस्टेंटली, लेकिन अब से आपको हर दिन कोई ना कोई टॉपिक पे वीडियो देखने को मिलेगा और एक वीडियो आपको डेली देखने को मिलेगा। सबसे पहले टाइप ऑफ रिटेंशन में जाते हैं, इलाइट रिटेंशन में, तो सबसे पहले अपने कप्तान फजल अतराचली को वापस रिटेन करने जरूर चाहेगी गुजरात जायंट्स की टीम। जिस तरीके से टीम को हैंडल किया है सुल्तान ने, कितने अनुभवी खिलाड़ी है, ईरान के बेस्ट डिफेंडर है और प्रो कबड्डी के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स में से आते हैं सुल्तान फजल अतराचली। और फजल को दोबारा रिटेन करना चाहेगी गुजरात जायंट्स की टीम में, जिस तरह का परफॉर्मेंस इन्होंने डिफेंस में दिखाया है और जिस तरीके से टीम संभाला है, तो ऑब्वियसली फजल अतराचली को रिटेन करेगी गुजरात जायंट्स की टीम। लास्ट सीजन का अगर हम परफॉर्मेंस देख ले फजल अतराचली का, तो कुल 23 मुकाबलों में 62 टैकल पॉइंट स्कोर किया विद एवरेज ऑफ 2.7। और फजल अतराचली को दोबारा हम गुजरात की टीम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन इन्होंने किया है वो दिखाता है कितने अनुभवी है और हर सीजन अच्छा खेलते हैं। और लास्ट सीजन इनको ऑक्शन में 1.60 करोड़ में खरीदा गया था, इस बार रिटेन करना है तब आपको 1.85 करोड़ तक देना पड़ सकता है, लेकिन एक अच्छा रिटेंशन हो सकता है। एकमात्र खिलाड़ी हो सकते हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा में रिटेन हो गुजरात जायंट्स के लिए, ये ऑक्शन में यही 1 करोड़ से ज़्यादा में बिके थे गुजरात जायंट्स के लिए, तो इजीली गुजरात इनको रिटेन कर सकती है 1.85 करोड़ में। चलते दूसरे इलाइट खिलाड़ी के बारे में, वो यहाँ पे होने वाले सोनू जगलान, जो कि काफ़ी सीजन से गुजरात जायंट्स के साथ रहे हैं। मुझे जहाँ तक याद है सीज़न 7 से खेल रहे और सीज़न 7 से लेकर सीज़न 10 तक एक लंबा जर्नी रहा है गुजरात जायंट्स के साथ। 1 साल इंजरी हो गए थे, फिर बाद में अच्छा खेले, फिर रिटेन हुए, वापस इंजर्ड हुए, लेकिन अब लास्ट सीज़न काफ़ी मैचेस में जो इम्पैक्ट डाला मैच ट्रेनिंग परफॉर्मेंस, इसीलिए सोनू जगलान को गुजरात वापस रिटेन करना चाहेगी। और लास्ट सीज़न कुल 18 मुकाबलों में 83 रेट पॉइंट स्कोर किया विद एवरेज ऑफ 4.61। अब कहने में डिसेंट सा परफॉर्मेंस है, लेकिन ये जो रेट पॉइंट्स का जो इंपॉर्टेंस है, ये गुजरात जायंट्स ही जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट समय में इन्होंने पॉइंट स्कोर करके दिया है। और 25 लाख तक दे रही थी लास्ट सीज़न, ये ऑफिशियल प्राइस नहीं है, तो इस बार रिटेन करना तो आप इनको 27.5 लाख दे सकते हो, क्योंकि कैटेगरी बी में आएंगे और कैटेगरी बी का 20 लाख का बेस प्राइस तक हो सकता है, लेकिन काफ़ी सीजन से इसी टीम में जुड़े हुए तो आप 27.5 लाख तक दे सकते हैं इनको। चलते तीसरे इलाइट प्लेयर के साथ, वो होने वाले दीपक सिंह। दीपक सिंह को आप सब जानते हैं, काफ़ी सीज़न से प्रो कबड्डी 2 सीज़न खेले ये जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ, वहाँ पे ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन गुजरात जायंट्स ने इनको पहले खिलाया नहीं, लास्ट के कुछ मैचेस खिलाए और 12-13 मैचेस में काफ़ी अच्छा खेले। और अरकम और सौरभ गुलिया का जब डुओ फेल हुआ तब इन्होंने राइट कवर में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है और दीपक सिंह ने यहाँ पर अच्छा खेला है। 14 मुकाबलों में 43 टैकल पॉइंट स्कोर किया है विथ एवरेज ऑफ 3.07। ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है 14 मुकाबलों में और दीपक सिंह को वापस आप इजीली रिटेन कर सकते हो। ऑक्शन में ये 15.70 लैक्स में बिके थे लास्ट सीजन, इस बार आपको इनको रिटेन करना है तो आपको 22.48 लैक्स तक देना है और गुजरात इनको इजीली रिटेन कर सकती है। तो 3 इलाइट रिटेंशंस हमें नज़र आ सकते हैं और ये अच्छे रिटेंशंस नज़र आ सकते हैं, एक प्रोमिनेंट चॉइस हो सकते हैं आपके लिए। और बिल्कुल जितना मेरा नॉलेज कहता है ये 3 प्लेयर्स आपको गुजरात में दोबारा देखने को मिल सकते हैं। एक और नाम है बड़ा सोमवीर, वो भी अच्छा खेले थे लेकिन मुझे लगता है इनको ऑक्शन में भेज सकती है, वहाँ से आपके पास एबीएम कार्ड का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप उनको वापस ले सकते हो, लेकिन ये 3 प्लेयर्स एक अच्छे चॉइस हो सकते हैं। तो फजल अतराचली, सोनू जगलान और दीपक सिंह, जहाँ पे 2 डिफेंडर फजल और दीपक और 1 रेडर सोनू जगलान, 3 इलाइट रिटेंशन आपके हो सकते हैं। चलते रिटेंशन के दूसरे कैटेगरी, रिटेन्ड यंग प्लेयर RYP कैटेगरी में, सबसे पहला रिटेंशन प्रतीक दहिया का होने वाला है। प्रतीक दहिया जो कि 2 सीजन से गुजरात जायंट्स के साथ एज अ नॉमिनेटेड NYP आए, फिर रिटेन हुए और इस बार रिटेन होना है तो ये RYP में होंगे, क्योंकि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट अब हो चुका है, अब आप रिटेन होना चाहते हो तो आप RYP यानी रिटेन्ड यंग प्लेयर में रिटेन होंगे। और प्रतीक दहिया को भी गुजरात रिटेन करने जा रही है, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन था काफ़ी कंसिस्टेंटली खेले और 20 मैचेस में इन्होंने कुल 130 रेट पॉइंट स्कोर किया है लास्ट सीजन और विद एवरेज ऑफ 6.5। और प्रतीक दहिया को गुजरात जायंट्स वापस रिटेन करना चाहिए। जो कोच है राम मेहर सिंह सर, इन पर बहुत
आत्मविश्वास दिखाते हैं और कोच खुद लेजेंड है और उनको पता है किस तरीके से प्लेयर्स को बनाना है और प्रतीक दहिया को वापस रिटेन करेगी गुजरात जायंट्स की टीम। लास्ट सीजन अराउंड 20 लाख तक दे रही थी, लेकिन इस बार कैटेगरी ए में अगर ये आते हैं तब इनको आप 30 लाख तक दे सकते हो। एक इंपॉर्टेंट फिगर है, एक इंपॉर्टेंट रीडर है और एक ऐसे रीडर है जो मैच टर्न कर सकते हैं, काफ़ी स्किल्स इनके पास है और आप प्रतीक दहिया को रिटेन करना चाहोगे। दूसरे RYP होंगे HH राकेश, हाईली स्किल्ड राकेश के नाम से जानते हैं जिनको, हाईली स्किल्ड राकेश आज का टर्म किया जाता है और अभी सीनियर नेशनल्स खेल के आए हैं चंडीगढ़ के लिए, वाइस कैप्टन थे वहाँ पे, पवन सरावत थे वहाँ पे, राकेश थे वहाँ पे, विशाल भारद्वाज थे और राकेश ने प्रो कबड्डी सीजन 10 उतना कुछ खास गया नहीं था, ठीक है डिसेंट सा खेले, लेकिन अभी नेशनल्स काफ़ी अच्छा खेल के आया है तो इसीलिए गुजरात इनको वापस रिटेन करना चाहिए। लास्ट सीजन का परफॉर्मेंस मैं फिर भी दिखा देता हूँ, लास्ट सीजन इन्होंने कुल 21 मुकाबलों में 108 रेड पॉइंट स्कोर किया विद एवरेज ऑफ 5.14, मतलब ख़राब नहीं कह सकते, एक अच्छा परफॉर्मेंस, डिसेंट सा परफॉर्मेंस था, थोड़ा डाउन जरूर गया है लेकिन इनको आप वापस रिटेन करना चाहोगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए और 23.5 लाख दे रही थी अराउंड गुजरात इनको, इस बार करना तो आप इनको 25 लाख तक दे के रिटेन कर सकते हो, तो एक आसान सा रिटेंशन आप HS राकेश का कर सकते हो। तो दो अच्छे रीडर्स यहाँ पे भी आप रख सकते हो, राकेश और प्रतीक दहिया, जो कि दो काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है, काफ़ी यंग है लेकिन इनके पास जो ऊर्जा है खेलने का वो काफ़ी अच्छा है। तो ये हो गए दो RYP। अब लास्ट कैटेगरी रिटेंशन का होता है NYP के, जिनके पास 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल वो खेल चुका है और दूसरे खिलाड़ी के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले दोनों रेडर्स जो कि आपके RYP के रिटेंशन कहलाए जाएंगे। चलते तीसरे कैटेगरी NYP में, नॉमिनेटेड NYP में जो खिलाड़ी आता है उसके पास 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 सीजन वो खेलता है नॉमिनेटेड NYP में, अगले सीजन वो रिटेन NYP के तौर पे खेलता है। वो खिलाड़ी मात्र एक है नितिन, क्योंकि गुजरात ने सिर्फ एक खिलाड़ी को साइन किया था एज NYP, नितिन को, जिन्होंने 19 रेड पॉइंट स्कोर किया है और सीजन 11 के लिए 100% ये आपको गुजरात में नज़र आने वाले खेलते हुए। तो एक खिलाड़ी तो आपका ऑलरेडी बुक हो चुका है क्योंकि NYP और NYP का ये काफ़ी अच्छा रूल लगता है मेरे को कि आप उनको 2 सीजन तक रख सकते हो, 1 सीजन अगर मौके नहीं मिले तो दोबारा आप खेल सकते हो उसी टीम के लिए और नितिन भी आपको गुजरात जायंट्स में नज़र आते हुए दिखेंगे खेलते। पर इन्होंने 19 रेड पॉइंट जरूर स्कोर किया है और जहाँ तक रिटेंशन प्राइस की बात है, एज ए नॉमिनेटेड NYP 9.66 लाख आपको दिया जाता है, लेकिन इस बार रिटेन करना है तो 15% करके 11.10 लाख का आपका प्राइस बन जाता है। तो ये आपका इकलौता RYP का रिटेंशन होने जा रहा है। और अब अगर हम रिटेंशन प्राइस निकाल ले, 6 प्लेयर्स के मैंने नाम बताया, तो 3.1 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकती है गुजरात जायंट्स अपने प्लेयर्स को रिटेन करने में। देखो प्लेयर्स कम है लेकिन फसल अतराचली के कारण और भी कुछ प्लेयर्स के कारण ये प्राइस काफ़ी अच्छा जगह है और 3.1 एक अच्छा प्राइस है जिसमें जायंट्स रिटेन कर सकती है। अब बचे हुए जो पैसे हैं 2 करोड़ हो गए, इसमें से 20-30 लाख तक 40 लाख तक और ऐड होंगे, NYP प्लेयर्स साइन होने वाले 3 से 4, उसको आप और ऐड कर लो। बचे हुए प्राइस यानी करीब समझ लो 1.8 करोड़, 1.7 के अराउंड आप ऑक्शन में जाओगे, वहाँ पर कुछ प्लेयर्स को FBM से ला सकते हो वरना कुछ एक आधे एक्सपीरियंस खिलाड़ी ला सकते हो। तो ये गुजरात जायंट्स के बारे में मैंने बताया, कौन से प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हैं गुजरात जायंट्स की टीम। देखो री कैटेगराइज प्ले मेरे को वीडियो बनाना है लेकिन सबसे पहले मैं ये रिटेंशन वाला सीरीज ख़त्म करूंगा, उसके बाद आपको कुछ और अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो मिलेंगे। अभी बंगा बंधु कब चल रहा है उसके बारे में भी मैं अब एक्टिव हो जाऊंगा और टेलीग्राम में आपको अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो ये था गुजरात जायंट्स की रिटेंशन वीडियो, आपके हिसाब से किन प्लेयर्स को गुजरात को रिटेन करना चाहिए कॉमेंट कीजिएगा, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।